अयोध्या यात्रा के दौरान जब हम रात को निकले तो हमने देखा कि एक कलाकार रेत पर भगवान राम की बेहद ही सुंदर आकृति बना रहा था। तो देखिए ये कलाकार अभी भी लगे हुए हैं। रात का वक्त है, करीब 4 बजे हैं और ये कलाकार रात भर मेहनत से लगातार इस प्रतिमा को बनाने में लगे हैं। तो बात करते हैं इनसे। भैया क्या नाम है आपका? मैं रूपेश सिंह हूँ। कहाँ से आए हैं और आप ये प्रतिमा कब से बना रहे हैं? मूलतः बलिया से हूँ। अच्छा। वाराणसी विद्यापीठ से मास्टर ऑफ फाइन आर्ट का छात्र हूँ। अच्छा। और वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने हेतु, सैंड आर्ट का ही वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने हेतु एक संकल्पित कलाकार हूँ। अच्छा। और अयोध्या में जैसे सभी लोग, देश भर के लोगों में जो उत्साह है भगवान की राम जी मंदिर बनने से जी, वही उत्साह में मैं भी अपनी कला का श्रमदान करने आया हूँ जी। और क्या विचित्र रूप है। तो देखिए यहाँ पर, अच्छा जो आप ये बना रहे हैं ये आपने पूरी रात लग के बनाया है? हाँ, 10 बजे से, रात के 10 बजे से हम लोग बालू वालू का वो करना शुरू किया। अच्छा। और फिर काम में लगे हैं। तो आप रात को सोए नहीं? कंटिन्यू। हाँ हाँ। अच्छा। और जब तक कंप्लीट नहीं होगा तब तक सोएंगे भी नहीं? तब तक सोएंगे भी नहीं, चाहे हाँ। एक दिन लगे या 2 दिन लगे, कितना हो दिन लगे। अच्छा। तो इसके अलावा आपने कहीं और भगवान राम की प्रतिमा या बनाई हो? यहीं इसी दीपोत्सव में, यहाँ हर साल दीपोत्सव होता है हाँ। और मैं हर साल दीपोत्सव में कलाकृतियाँ बनाता हूँ, भगवान राम से आधारित वनागमन की स्टोरी हर साल उकेरता हूँ। इस बार भी उकेरा था, पिछले 4-5 सालों से लगातार दीपोत्सव में मैं काम कर रहा हूँ। अच्छा। और समसामयिक घटनाक्रमों पे निरंतर महापुरुषों की जयंती और पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि तथा देश में होने वाले समसामयिक घटनाक्रमों पे आकृतियों से बिल्कुल लोगों को जागरूक करता रहता हूँ। ये जो रेत है क्या ये आपने ही यहाँ पर रखवाई है या कि या पहले से किसी ने रखवाई? नहीं 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 नहीं, ये रेत हम लोगों ने मंगवाई है। अच्छा। और बताया तो कि श्रमदान जैसे पूरा देश कर रहा है तो अपने अपने क्षेत्र के लोग अपना अपना काम कर रहे हैं, मैं कलाकार हूं तो अपनी कला का श्रमदान कर रहा हूं। तो जो आपने ये आर्ट बनाया है इसमें प्रभु श्री राम क्या लेटे हुए हैं कि क्या उनकी? नहीं, ये तो आर्ट है, ये मैसेज दे रहा है कि भगवान राम जब राम सेतु का निर्माण कर रहे थे उस टाइम भी उनके पास बहुत बड़ी संकट थी, उनकी पूरी सेना को लंका पहुँचना था लेके, तो कोई माध्यम पुल की ज़रूरत थी। अच्छा। वही उस पुल को बनाने में एक गिलहरी का जो रोल था, सेम इस राम मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं को जागरूकता बढ़ाने के लिए, उत्साह जो देश में हो अभी राम मंदिर के प्रति है जी, उस उत्साह में और 4 चांद लगाने के लिए मैं गिलहरी के रूप में एक कलाकार भगवान राम और गिलहरी को दिखा के राम मंदिर का निर्माण करूँगा। इसी के साथ साथ राम सेतु में जैसे बानर सेना लगी थी और एक छोटी सी गिलहरी जो रोल करी थी जी, उसको जीवंतता पूर्वक उकेरने का प्रयास करूँगा। तो देखिए बहुत सुंदर यहाँ पर सैंड आर्ट यहाँ पर भैया ने बनाया है और रात भर लग के उन्होंने ये भगवान राम की बहुत सुंदर कलाकृति यहाँ पर उकेरी है इस रेत पर। तो सभी लोग जो भी इसको देख रहा है वो लगातार देखते ही जा रहा है क्योंकि भगवान राम जो इस सूरत नज़र आ रहे हैं वो उनको देखकर मन मोहित हो जा रहा है। तो इसी प्रकार की तमाम कहानियां हम आपको दिखाते रहेंगे क्योंकि अयोध्या यात्रा India.com की जारी है। फिर मुलाकात होगी ऐसे ही तमाम और भक्तों से जो प्रभु राम की लीला में लगातार लगे हुए हैं। जय श्री राम।